हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आपको पता है कि मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें बताया था कि एक हफ्ते का समय दिया गया है सरकार की तरफ से, हम कुछ ना कुछ आप पर फैसला लेंगे। और कल दोस्तों ये हफ्ता पूरा हो रहा है, 14 तारीख हो जाएगी कल, और कल ज्वाइनिंग वालों पर बड़ा फैसला। जी दोस्तों, अगर सरकार को फैसला लेना है तो कल ये बता दिया जाएगा कि क्या कुछ होने वाला है, वरना दोस्तों बच्चों की तरफ से कुछ ना कुछ किया जाएगा। ये बड़ा जो बयान आया था उस दिन, बोला गया था कि हम अगर हमारा फैसला नहीं आता तो हम अर्धनंग होकर प्रदर्शन करेंगे, ये बच्चों का मानना था। और वो कल और वेट करेंगे, परसों तक भी वेट कर लेंगे, 15 तारीख तक। लेकिन दोस्तों उसके बाद ये आंदोलन करने की पूरी पूरी तैयारी की जा रही है। और कुछ तो शर्म करो, ऐसी ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। जी दोस्तों, अभी भी संख्या वहाँ पर बहुत कम है आंदोलन में, जितने भी विद्यार्थी हैं 6600 कम से कम वो तो आए। अगर आप किसी को साथ नहीं लेकर आ सकते तो कम से कम आपको तो होना चाहिए, जितने को ज्वाइनिंग चाहिए, ये तो मैं आपको बोल रहा हूँ। और मेरा मानना है कि आप सभी को होना चाहिए, क्योंकि ज्वाइनिंग एक को नहीं चाहिए, पूरे 6600 का मामला है, और लड़कियां भी इसमें शामिल होनी चाहिए। परसों को जो अगर आपका प्रदर्शन होता है, अगर कोई फैसला नहीं आता है कल, अगर प्रदर्शन होता है तो आपको आना चाहिए वहां पर, और परसों आपको पूरी ताकत दिखानी चाहिए, जितना भी मतलब आपके साथ आ सकते हैं सभी को लेकर आएँ और इस प्रदर्शन में शामिल हों, वरना ज्वाइनिंग भूल जाओ। आप ऐसे ही कोर्ट डेट देता रहेगा और आप ऐसे ही बैठे रहना घर पे कि वो गए हुए तो हम क्यों जाएं, ऐसी हो जाएगी ज्वाइनिंग घर बैठेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। भूल जाएं, जब तक एक साथ नहीं दिखोगे सभी तब तक कुछ नहीं होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।